हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ब्लूटूथ स्पीकर को अपने फ़ोन से कैसे पेयर कर सकते हैं, यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वीवो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा और यहाँ पर आपका ब्लूटूथ ऑन है तो ऑन ही रहने दें, अगर ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। और ऑन करने के बाद अपने ब्लूटूथ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से अपना ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो ऑन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन करने के बाद, मेरा ये JBL का है, तो यहाँ पर पेयर न्यू डिवाइस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका ये यहाँ पर JBL का शो हो गया, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपका ये पेयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पेयर हो चुका है। तो इस तरीके से अपने ब्लूटूथ स्पीकर को पेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।